हेलो दोस्तों, आज हम ये तोरण पट्टी बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाया गया है। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। इसे आप कई कलर में भी बना सकती हैं और अगर आप चाहेंगी तो एक कलर में तो हम यहाँ पे बतलाए हुए ही हैं। इसे आप अनेक कलर में बना सकती हैं, बीच बीच में भी डालकर इसे आप दूसरे कलर का तैयार कर सकती हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 10 चेन बनाकर। सबसे पहले हम यहाँ पे 10 चेन बना लेते हैं। अब आगे एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ से चेन की गिनती करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आपका फूल बनेगा। तो 10 के बाद और हम इसे लेंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5 और एक लेंगे हम 6। अब देखिए, अब तीसरा चेन से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे हम, प्रत्येक एक चेन से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, प्रत्येक 5 चेन पर। एक चेन से सबसे पहले हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी चेन से दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी से तीसरा, 5। इस तरह से 5 चेन, अलग अलग चेन से 5 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। अब देखिए, अब हम 3 चेन लेंगे और ठीक ये लास्ट चेन पे लाकर इसे बंद करेंगे और वापस चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। हमें 8 चेन बनाना होगा। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे 8 चेन बना लिए। अब यहाँ जो पहले से हम बनाए हुए हैं चेन, इसमें हम ठीक नौवां चेन पे ले जाकर इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से देखिए, ये आपका एक तैयार हो गया। अब आगे बनाने के लिए हमें फिर से चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा लंबाई और ज़्यादा रखना है, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हम यहाँ पे बीच का गैपिंग जो है 10 रखेंगे। इसके बाद हम इसे बनाएंगे, जो 8 चेन बनाएं और उसके बाद 6 बनाएं, उसे बनाएंगे हम। तो चलिए, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8। अब हम 6 चेन और बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और एक बना लेंगे, 6। अब हम तीसरा चेन से हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 चेन से 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से हम 5 चेन पे इसे फिर से बना लेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, वापस 8 चेन बनाएंगे। ठीक 9वां चेन पे इसे ले जाकर हम जोड़ लेंगे। फिर से अगला हम 10 चेन बनाएंगे, तो इसी तरह से हम इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए कितने, ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, तो चलिए इसे हम और भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, जब इसे कंप्लीट कर लेंगी तो ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। तो ये तोरण पट्टी तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।